तो कल्लू का जो ये उड़ाते हैं इसको, ये बोरी का टाट का बना हुआ है तो ये उड़ाते हैं, तो धूप निकल चुकी थी, हटा दिया अब इसको। और सिया वृंदा उधर खड़ी है और उधर निकिता नाश्ता कर रही है उधर बैठ के, और गुड्डू हो रहा अभी थोड़ा चल रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको ले चल के पास में। तो चलिए चलते हैं, ये हमारा पानी गर्म करने का गीजर। हाँ क्यों सियर हो रही है, सियर हो रही है बता रहा है, क्या हो गया सिया को? हाय सिया का हो मेरे सीउड़ी, हाँ सीउड़ा सिट्टू ठीक है यार, बफड़ का दुआ लगाऊ बाहर, वो हर संडे के संडे लगानी पड़ती है वरना इनके चीचड़ हो जाते हैं बहुत ज्यादा इस कारण। चलिए गुड्डू को मैं मिला देता हूँ आपसे, बहुत दिन हो गए। गुड्डिया तो ये रहा हमारे गुड्डिया गुड्डू, इसको और पाटा मिला के रखा है, अभी बहुत ज्यादा कमजोर है क्योंकि इसके जो पहले वाले जो मालिक थे उन्होंने इसको दूध नहीं पिलाया, ये छोटे बच्चे को बचपन में अगर दूध पिलाते थे 2 महीने तक। ओ ये देख बात करती है, पूरी बात समझती है मेरी। ओ बिट्टू ओ, तो गुड्डू की बहुत ज्यादा हो रही तबीयत खराब, और चारा इनको रख दिया अभी खा रहा है, वैसे चारा खा रहा है पर ठंड के मारे हो रहा है इसकी तबीयत ज्यादा खराब, उसको दूध नहीं पिलाया मेरा आज तक, ये सब अच्छा मैंने इसको सब अच्छी तरह खिला रहा पिला रहा फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है इसको, इसकी तबीयत खराब हो रही है, अभी देखते हैं और करेंगे इसका ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह दिलाएंगे इसको। और अभी दोस्तों लगभग 2:45 हो रहे हैं, और अभी देखिए जो गुड्डू है बिल्कुल नीचे तब सो गया है बिल्कुल, अब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और शायद इसके बचने की अब चांस बहुत कम रह गए हैं। दोस्तों देखिए हमारे गुड्डू आज बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, शायद इसके बचने की उम्मीद कम है। नितिन रो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी मैं गुड्डू को यहाँ पर आवाज़ दे रहा था पर गुड्डू है जो बिल्कुल भी मतलब होश में नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान है, अभी जैसे मैं आवाज़ दूंगा तो ये उठने की मतलब कोशिश भी करेगा वापस। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको आवाज़ दी थी तो अभी आँखें खुली है इसकी थोड़ी सी, और उसके बाद आधे घंटे बाद इसकी डेथ हो चुकी थी। ये देखिए